हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज आप लोग के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ UPPCL में वैकेंसीज रिलेटेड। और इसको जान करके आप लोग खुश होने वाले हैं, क्योंकि ये आपको चेहरों पर जो है वो मुस्कान ला देगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और काफ़ी छात्र काफ़ी दिन से ये कह रहे हैं कि UPPCL प्राइवेट हो रहा है, UPPCL वैकेंसी नहीं आएगी, अब किसी भी तरीके की वैकेंसी नहीं आएगी, सरकार ने UPPCL को भेज दिया है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। और ये बात मैं आपसे काफ़ी समय से कह रहा हूँ कि कुछ प्राइवेट नहीं होने वाला है। ये जो आप लोग कह रहे हैं, ये पिछले 2 साल से कहा जा रहा है, पिछले 2 साल से लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हो गया, भर्ती नहीं आएगी नहीं आएगी। लेकिन आप लोग ने देखा कि पिछले साल भी JEE की वैकेंसीज आई थी और उसकी ज्वाइनिंग भी हो रही है, और इस साल भी वैकेंसीज आनी थी, लेकिन COVID-19 की वजह से आप लोग जानते हैं कि टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। और पूरी उम्मीद है कि जब ये हालात आपके सामान्य होंगे तो उसके तुरंत बाद आपका टेंडर होगा। तो अब देखते हैं कि ये जो वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या है कि आप लोगों को ये चेहरों पे खुशी आने वाली है, और ये वैकेंसीज के आने का कुछ पता चल रहा है कि JEE और TG2 की भर्ती आने वाली है, और ऐसा क्या संकेत मिला है। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, आने वाले दिनों में हर घर को 24 घंटे बिजली दी जाएगी, और ये जो जगह है वो आपकी लखनऊ की है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोरोना संकट में भी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करी जाएगी, पावर फॉर ऑल के तहत 24 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया गया है। और इसमें 3135 करोड़ रुपए से निर्मित 28 ट्रांसमिशन सब स्टेशन के लोकार्पण और शिलान्यास के दौरान उपरोक्त बातें कही गई हैं, और इसमें करीब 19 विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया गया है जो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, और 9 उपकेंद्रों का शिलान्यास किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी उपकेंद्र नए बन रहे हैं और काफ़ी को बनाया जा रहा है, काफ़ी बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये जो आपके उपकेंद्र हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि अपने आप चलने लगेंगे, ये चलाने के लिए उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, और स्टाफ का रिक्रूटमेंट तो करना ही करना है। तो जो लोग रोना रो रहे हैं कि प्राइवेट हो गया नहीं आएगी, अब जो UPPCL है वो उसमें कुछ नहीं होना है, ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, तो वो लोग फिर से सोच लें, फिर से आप लोग एक बार ध्यान से देख लें, फिर से आपको मैं समझा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब फालतू हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, इसमें नहीं आनी है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर जिसको लग रहा है कि UPPCL में वैकेंसी नहीं आनी है, वो पढ़ाई बंद कर दे, वो तैयारी बंद कर दे, और नौकरी करना शुरू कर दे, और नौकरी करके संतुष्टि ले, और दूसरों को डीमोटिवेट मत करिए। आपको लग रहा है कि नहीं आएगी तो आप अपने आप को समझाइए कि नहीं आएगी। आप ये बात 10 लोगों को आप बता रहे हैं कि नहीं आएगी, तो वो जो तैयारी कर भी रहा है बच्चा, वो भी आपकी वजह से डीमोटिवेट हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं कि लखनऊ के आसपास में जो उपकेंद्र है उसका लोकार्पण किया गया है। लिखा हुआ है, उपकेंद्र हनुमान सेतु लखनऊ में बन जाने से लखनऊ महानगर विद्युत आपूर्ति में यहाँ पे सुधार होगा। उसके अलावा अमेठी में भी नया उपकेंद्र बना है जिससे वहाँ पे लो वोल्टेज की समस्या दूर होगी। सुल्तानपुर के लंबुआ में भी एक उपकेंद्र बना है जिससे आपूर्ति सही हो जाएगी। तुलसीपुर बलरामपुर में भी आपके उपकेंद्र बने हैं, और उसके अलावा महाराजगंज तुलसीपुर यहाँ पर भी करीब 3 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। तो इस तरह आपने देखा है कि अभी भी बहुत सारे उपकेंद्र बन रहे हैं, और आप लोग जानते ही हैं कि इससे पहले वाली गवर्नमेंट में यानी सपा गवर्नमेंट में भी काफ़ी उपकेंद्र बने थे, और उसी का नतीजा था कि आपको 2277 वैकेंसीज देखने को मिली थी, क्योंकि युद्ध स्तर पे उपकेंद्रों को बनाया गया था। और आप लोगों भी जानते हैं कि आपके महल्ले में भी काफ़ी नए नए उपकेंद्र बने होंगे जिससे कि जो पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या थी वो सही हो गई थी, और जो लाइट थी उसको अच्छी तरीके से सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब ये गवर्नमेंट भी काम कर रही है, और यहाँ पर भी काफ़ी उपकेंद्र बनाए जा रहे हैं। तो जब उपकेंद्र बन रहे हैं तो वैकेंसीज भी आएंगी, और ये आना निश्चित है। तो परेशान ना होइए, तैयारी करते रहिए। तैयारी करनी है तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल विजन आपको सपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल विजन आपको पेड क्लासेस चला रहा है, जहाँ पे आप कोचिंग सेंटर जा करके 5,000, 8,000, 10,000 फीस देंगे, वही पूरी तैयारी डेली 2 घंटे क्लासेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके लिए नाम मात्र फीस ली जा रही है 500 रुपये, वो भी आपका फुल सिलेबस की है, ऐसा नहीं है कि आपको मंथली देना है। तो आप 5,000 रुपये देने से अच्छा है आपको 500 रुपये दे करके पूरी तैयारी वैसे ही करिए जैसा कि आप कोचिंग जा कर करते हैं, और उम्मीद पूरी है कि उसको पढ़ करके आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसीज में हो जाएगा।
तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और पे करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हो गया प्राइवेट हो गया प्राइवेट हो गया, उनको बताइए, उनसे कहिए कि आपको लग रहा है प्राइवेट हो गया तो आप ये वीडियो देखिए, सच्चाई समझिए। अभी भी नहीं समझना है तो आप लोग ये काम करिए कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, तैयारी करना छोड़ दीजिए, और आपको जहाँ नौकरी करनी है जाकर नौकरी करिए और दूसरों को डीमोटिवेट मत करिए। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।